अरे पहले तक कछुआ रहता था चल में जब भी भाई जब सुनिए। अरे पहले तक कछुआ रहता था चल में यही सोचता रहता प्रभु ये चरण धोए बिना नाव में नहीं बैठाऊंगा और जा क्यों क्योंकि छुअत सलाम भई नार सुहाई पावन ते कछु काठ कठिनाई तो केवट कह रहा प्रभु कि ये पगलाना तो भी पगलाना क्या बात है बार बार केवट क्या कर रहा है क्या कि ये पगलाना वो भी पगलाना और जैसे राम जी एक पैर देते हैं केवट धोके और राम जी वो पैर इधर रखते हैं तो दूसरा पैर उठाते हैं तो उसको धो देता है फिर कहता वो भी पगला बोले क्यों बोले अभी उसको भी नीचे रख दिया रज उसमें भी लग गई ये पगलाओ ये पगलाओ राम जी बोले तो फिर तो हम चरण ही धुलाते रहे फिर पार कब होंगे ये तो हम चरण ही धुलाते रहेंगे फिर बोले एक काम करो प्रभु एक पैर से खड़े नहीं हो पाओगे तो बोले एक काम करो अपना हाथ हमारे सर पे रख के खड़े हो जाओ ये है कि ये पगलाना वो भी पगलाना समझे लखन के बट पगलाना लखन जी बोले ये तो पगला गया बोले क्यों क्यों ये मेरा भक्त है ये मेरा भक्त है लखन लाल जी बोले सो तो हम समझ रहे और क्या सो तो है जो आपकी माँ आपकी ना माने वही आपका भक्त है और क्या कैसे कैसे बोले केवट इससे करे आओ सो आ नहीं रहा सुमंद करे जाओ सो जा नहीं रहा है बोले सुनो लखन मेरे भक्तों के अंदर भक्ति का दर्शन है प्रदर्शन नहीं है और एक बात और बताओ क्या बोले जब सवेरे सवेरे दुकान खुलती है तो कोई उधार लेने आ जाए तो लोग कहते बवनी खराब हो गई तो प्रभु दुकान से और केवट के ना आने से सुमंत के ना जाने से क्या मतलब बोले मतलब है क्या बोले वनवास किसे मिला तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी वनवास किसे मिला प्रभु आपको और जो तो तैयार तुम हो गए लक्ष्मण हमने रोका तुम माने लक्ष्मण तुम तैयार हो गए माने बोले नहीं सीता जी तैयार हो गई हमने रोका मानी बोले नहीं बोले हम तो समझ गए घर से ही बहुनी खराब हो गई अब जो कोई मिलेगा माने गई नहीं बिल्कुल सच है हेलो देखो हेलो कब हो जाते हैं तो ये पगलाना वो भी पगलाना समझे लखन के बट पगलाना जेपी भैया अब लाइन सुनो एक आ रहा एक जा रहा आना जाना अब सुनो सुनो तो पाकर पद पंकज को धोकर के रज को क्या बात है ये लाइन दोबारा कि पाकर पद पंकज को धोकर के रज को पी करके अमृत को सुख पा रहा है तो पी करके अमृत को सुख पा रहा है हर सा रहा है केवल तो खुशी हो रहा लेकिन हर सारा है वो दुख पा रहा है हर सारा है हर सारा है हर्ष और दुख आना और जाना ठीक है बजे क्या है पुरस्कार नहीं दे रहे हो जेपी भाई जबकि पुरस्कार हर सारा है वो दुख पा रहा है